नमस्कार, आप सभी का स्वागत विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श में आपके लिए अलग अलग विषयों पर जानकारी हम लेकर आते हैं, और ख़ासतौर से अगर फिलहाल समय की हम बात करें, अभी मॉनसून जो है शुरू हो चुका है पूरी तरीके से। और ना सिर्फ अगर बात की जाए देश के अलग अलग हिस्सों में, कहीं भारी बारिश तो कहीं हम मान सकते हैं जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो अब पूरी तरीके से सक्रिय हो चली हैं। लेकिन ऐसे में वो किसान जो हमारे बागवानी से जुड़े हुए हैं या हम खासतौर से फलों की खेती करते हैं, उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरीके की तैयारी उन्हें पहले से करनी चाहिए, कौन से फलों का चयन वो करें, उनकी उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण किस तरह का प्रबंधन या देखभाल उन्हें करनी होगी जिससे अच्छा उत्पादन उन्हें मिले और उसके ज़रिए अच्छा मुनाफा हम ले सकें, इसी पर आज हम विचार विमर्श करेंगे और बात होगी मॉनसून में फल और बागों की। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। देश में काफी संख्या में किसान पारंपरिक फसलों के अलावा फलों की खेती भी कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में किसानों में बागवानी फसलें लगाने का रुझान काफी बढ़ा है, और इसका एक कारण सरकार की ओर से किसानों को दिया जाने वाला सहयोग भी है। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से बागवानी मिशन के तहत कई तरह के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। साथ ही दूसरी फसलों के मुकाबले बागवानी फसलों की खेती किसानों को अच्छा मुनाफा दे सकती है। ये समय नए फल बाग लगाने के लिए एकदम सही है। ऐसा माना जाता है कि मॉनसून के मौसम में गर्मी के साथ नमी यानी उमस होती है, जो पौधों की जड़ों को अच्छी तरह फैलने में मदद करती है। पहाड़ी क्षेत्रों और तमिलनाडु को छोड़कर सदाबहार फल वृक्षों को लगाने का ये सही समय है। वैसे तो नए बाग लगाने की तैयारी जून महीने में की जाती है, लेकिन जो किसान उस समय तैयारी नहीं कर पाए वो इस समय सदाबहार फल वृक्षों के बाग लगा सकते हैं। किसान इस समय आम, नींबू वर्गीय फल, अमरूद, लीची, जामुन और कटहल लगा सकते हैं। किसान अपने इलाके को ध्यान में रखकर ही अच्छी किस्मों के पौधे लगाएं। बाग लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। किसान मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। मिट्टी बलुई दोमट होनी चाहिए, साथ ही इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। ऐसी मिट्टी का चयन करें जिसकी जल धारण क्षमता अच्छी हो। मिट्टी की जांच कराने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी जमीन बाग लगाने लायक है या नहीं। पौधों की रुपाई से पहले मिट्टी का पीएच मान सही होना भी जरूरी है। इसके साथ ही बाग में जल निकासी की भी उचित व्यवस्था रखें। अच्छा बाग लगाने के लिए किसान फलों की उत्तम किस्मों का ही चयन करें। फलों के बाग लगाने के लिए स्वस्थ और बेहतर किस्म की रोपण सामग्री का उपयोग करें। फलों के छोटे पौधों को विश्वसनीय नर्सरी से ही खरीदें। हालांकि नए फल बागों को लगाना एक दीर्घकालिक उद्यम है, लेकिन अगर बाग लगाते समय कृषि वैज्ञानिकों की सलाह ली जाए और कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखा जाए तो किसान फल बागों से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो जाना आपने किस तरीके से हम मान सकते हैं मॉनसून का इंतज़ार हमारे किसानों को रहता है, क्योंकि हमारी जो खेती है अधिकतर हिस्से की वो मॉनसूनी बारिश पर निर्भर करती है। और ख़ासतौर से जब बात आती है बागवानी की तो जो किसान है पहले से ही तैयारी कर लेते हैं, लेकिन और किस तरह की तैयारी की आवश्यकता होती है इस बारे में जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह का, जो कि प्रमुख हैं बागवानी के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय, बहुत बहुत स्वागत आपका विचार विमर्श में। बहुत बहुत नमस्कार सभी को। जी डॉक्टर संजय, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मॉनसून की अगर बात की जाए, जो कुल हमारा बागवानी का क्षेत्र है कितना निर्भर करता है मॉनसूनी बारिश पे? बिल्कुल, जहाँ तक कि हम जानते हैं जितने फल उत्पादन के क्षेत्र हैं ये सारे उन जगहों पे हैं जहाँ पे समुचित इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ किसान उनको फलों पर ले जाते हैं। और इस वक्त जो है पूरे देश में जहाँ मानसून बारिश बिल्कुल बहुत अच्छी ढंग से हो रही है, तो यहाँ किसान सारी नए बाग जो लगाना चाहते हैं, खास करके उनके लिए बताना चाहूंगा कि उन्होंने खड की तैयारी कर ली है, खड को वो बिल्कुल खोद के रखा हुआ है जी। और उत्तर क्षेत्र में जहाँ पे क्षारीय भूमि है, जहाँ पे बहुत ज्यादा खारापन है पानी में या भूमि में, तो वहां किसानों को थोड़ा एक जागरूक रहना पड़ेगा कि उन्हें प्रति खड कम से कम 1.5 से 2 किलो जिप्सम ये जरूर डाले, जिससे कि उसमें लवण की जो है जो पीएच मान है उसे हम अम्लीय की तरफ ले आए, जो हमारे लिए बढ़िया होगा। साथ ही गोबर की खाद, थोड़ी सी रेत इत्यादि मिला के भर के तैयार कर दें, जिससे कि ये जुलाई के अंत तक बिल्कुल नए पौध लगाने के लिए तैयार हो सके। तो ये तैयारी किसानों को खास करके करनी है।
बिल्कुल डॉक्टर संजीव, जैसा आपने कहा कि जुलाई के अंत तक पूरी तरीके से हमें तैयार रहना होगा, लेकिन जैसा हम जानते हैं जो मानसून है उसकी शुरुआत केरल से होती है, दक्षिण भारत से होती है और फिर धीरे धीरे आके पूरे देश के अलग अलग हिस्सों तक ये पहुंचता है। तो क्या अगर हम अगर इस पूरे क्षेत्र अगर देखें तो जो दक्षिण भारत के किसान हैं वहाँ पर उन्हें किस तरह की तैयारी फिलहाल कर लेनी चाहिए अलग अलग फलों के लिए? जहाँ तक कि दक्षिण भारत में है वहाँ पे तो जैसे कि मुख्य फसल है आम है, वो बिल्कुल हार्वेस्ट वहाँ हो चुका होगा और या प्रसंस्करण के लिए जा चुका होगा। केले की वो हार्वेस्टिंग अभी शुरुआत उन्होंने कर दी है। कर्नाटक क्षेत्र जहाँ पे वो पाइनएप्पल लगाते हैं तो उसकी भी हार्वेस्टिंग मुख्यतः वहाँ पे हार्वेस्टिंग की सीजन कंप्लीट हो गई है। वहाँ पे पौधों को अभी थोड़ा जो जैसे आम है इत्यादि है इनकी काट छांट हल्की काट छांट करनी आवश्यक होती है, क्योंकि हार्वेस्ट के बाद एक काट छांट करें, साथ ही उसमें पहली खेप खाद और उर्वरकों की यह डालना बहुत जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें जो है अभी किसान वहां दक्षिण भारत में कर रहे होंगे और जैसे जैसे हम नॉर्थ उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ अब हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है। तो जैसे अब दशहरी लंगड़ा चौसा ये आना शुरू हुआ है तो इसका मतलब है कि कुछ बाढ़ के क्षेत्र हैं जहाँ पे किस्में हैं वो बिल्कुल खत्म हो गई, तो वहां उन उन बागों में उन्हें जो जो हमारी सड़ी गली गोबर की खाद है या अन्य कोई उर्वरक है जैसे पहली खेप होती है ये इत्यादि उन्हें डाल के मिला के रखना पड़ेगा, जिससे कि पौधों में जो हलास हुआ है जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं इनको पौधे प्राप्त कर सके और सुदृढ़ रह सके और अक्टूबर माह तक इनमें जो जो कहते हैं कि बर्ड डिफरेंशिएशन का टाइम होता है उस वक्त पौधे स्वस्थ रहे, उसमें कोई भी सूक्ष्म तत्व या जो हमारे न्यूट्रिएंट्स के जो तत्व हैं वो कमी ना हो तो पौधा हेल्दी रहेगा। इसका असर जो आने वाले सीजन में बहुत ही बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, यानी अगले सीजन में जो फलन है हमें अच्छा मिल सकेगा और उसके जरिए आपके जो मुनाफे की मिठास है, अगर आप आम की खेती कर रहे हैं, दूसरे फलों की खेती आप कर रहे हैं तो उसके जरिए आपके मुनाफे की जो मिठास है वो भी बढ़ सकेगी। साथ ही डॉक्टर संजय, अगर बात की जाए क्योंकि लगातार हमारा संस्थान जो है वो शोध और हम कह सकते हैं लगातार चलते हैं अनुसंधान शोध जिसके जरिए उन्नत किस्में जो हैं उनका विकास किया जाता है, फलों की अगर हम बात करें जैसे आम का ही आपने जिक्र किया, आम की अगर बात की जाए तो कौन कौन सी नई किस्में इसकी आई हैं जिसके जरिए अच्छा फलन जो है किसानों को मिल सकता है और किसान को इंतजार रहता है कि अच्छा फलन मिले लेकिन वो और भी जल्दी उनको मिल सके? बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। किसानों को नए किस्मों के लिए जागरूक रहना बहुत जरूरी है और इस दिशा में हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने इस वर्ष आम की दो नई प्रजाति दी है। इसमें सर्वप्रथम जो है एक पूसा मनोहरी, यह एक किस्म है जो आम्रपाली और लाल सुंदरी के हम लोग संकरण करके बनाया है। इसमें गुच्छा रोग जो उत्तर भारत में प्रायः देखा गया है कि आम के बगीचों में बहुत ज्यादा गुच्छा रोग लगता है, तो यह एक ऐसी किस्म है जिसमें गुच्छा रोग बिल्कुल ना के बराबर होती है तो यह और बड़ा बड़ा लाल मोटा आम होता है और बिल्कुल उससे सुनहरा रंग आएगा जो किसानों को अच्छा पैसा देता है। साथ ही एक दूसरी किस्म है, यह है पूसा दीपशिखा। यह जैसा कि नाम है इसका, यह बिल्कुल नारंगी बैकग्राउंड पे बिल्कुल लाल कलर उभर के आता है और यह किस्म जो है निर्यात हेतु हम लोगों ने इजाद किया है। जो किसान ऐसे किस्में लगाना चाहते हैं जिसे निर्यात किया जा सके तो यह वैसी किस्म है। इसमें थोड़ी हल्की जो मिठास और खटास की जो दोनों जो ब्लेंड होती है वो बहुत ही बढ़िया है और इसमें भंडारण क्षमता भी अच्छी है। तो ये दो नई किस्में आम में है। एक हमारे यहाँ पे चकोतरे में पहली बार ऐसा हुआ है कि विश्व में एक बीज रहित चकोतरे की किस्म है पूसा सीडलेस पमेलो, यह एक जो है इस बार रिलीज की गई है। साथ ही एक अंगूर में एक बहुत ही अति अग्रणी कहें मैं एक्स्ट्रा अर्ली टाइप है जो मई में ही पक जाए जो मानसूनी भारत से भी बच जाता है, तो एक किस्म है वो पूसा पर्पल सीडलेस। ये हम लोगों ने एक बहुत ही अति अग्रणी किस्म है जो पक के तैयार हो जाती है और बिल्कुल काले रंग का बीज रहित किस्म है जो उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में जो किसान अंगूर लगाते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी किस्म है ये, जो जहां जिन्हें जैसे मानसूनी बारिश आ जाती है तो दाने सड़ जाते हैं, गुच्छे सड़ जाते हैं, ये इत्यादि इनमें बिल्कुल नहीं होती है और हल्का इसका जो गुच्छा बनता है वो थोड़ा लूज होता है।
तो पायलट की जो समस्या है जो बहुत गठीला होता है, तो इसमें ये जो दाने लगे रहते हैं ये सारे लूज होते हैं और किसानों को ये अच्छे पैदावार भी मिलेगा बढ़िया और मुनाफा भी कमाएंगे इससे। जी बिल्कुल डॉक्टर सिंह जी, जैसा आपने यहाँ अंगूर का भी जिक्र किया, अगर हम मध्य भारत क्षेत्र की बात करते हैं, खासतौर से ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जो बारिश हमने देखा, भारी बारिश की स्थिति वहाँ बनी हुई है, और औसतन अगर देखा जाए तो सामान्य से अधिक बारिश जो है इन क्षेत्रों में अभी तक दर्ज की गई है, उन क्षेत्रों के लिए कुछ खास ऐसी सावधानी जो हमारे किसानों को बरतनी चाहिए? जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है और समय से पहले हो जाए, प्री मानसून शावर जिसको कहते हैं, तो वहां प्रायः देखा गया है कि फलों में एकदम से अगर बहुत ज्यादा एक मतलब ड्राई सीजन रहे और एकदम से बारिश हो जाती है तो वहां देखा गया कि फलों का फटना एक आम समस्या है। तो किसानों को ये जरूरी आवश्यक ये है कि जब फल बढ़वार ले रहे होते हैं अप्रैल और मई के समय में, तो उस समय इन फलों पे जिंक सल्फेट एक लवण है, ये 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के छिड़काव कर दें, जिससे कि इसमें फटने की समस्या बिल्कुल, जो नींबू लगाते हैं जो संतरा लगाते हैं वो जानते हैं कि इन फलों में बिल्कुल एकदम से अगर बारिश आती है और अत्यधिक बारिश हो जाए तो फल का फटना उसमें पाया देखा गया है, तो उससे अगर हम बचाना चाहते हैं तो यह छिड़काव जरूर करें। साथ ही जो किसान जो अनार लगाते हैं उनमें भी देखा गया बिल्कुल एकदम वर्टिकल फटता है और उन फलों के फिर कोई कीमत नहीं मिलती है, तो ये छोटा सा ही ट्रीटमेंट है, अगर वो जिंक सल्फेट या बोरिक एसिड 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर छिड़काव शुरुआती दौर में कर देते हैं जब फल बढ़वार के स्टेज में होती है, तब इसमें फटने की समस्या बिल्कुल ना के बराबर होती है। साथ ही और किसान को मैं ये बताना चाहूंगा कि जब फल बड़े हो रहे होते हैं, बढ़वार ले रहे होते हैं, या कहें कि पकने से कम 1.5 से 2 महीने के पहले हो, तो एक छिड़काव किसी भी सेफ कीटनाशक जैसे रोगर है या नीम के खली का पानी है या नीम का तेल है, इसका छिड़काव अवश्य कर दे, जिससे कि इन फलों पे जो फल मक्खी जो धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ते जाती है बरसात के साथ, तो ये उस पे बैठ के उसमें अंडा ना दे दे, और ये जो फल मक्खी है अंदर जाने के बाद ये जो अंडे जो है उसमें सुड़ियां बन जाती है, तो ये देखा होगा कि आम में और कई फल है जिसमें ये सुड़ियां दिखाई देती है, तो अगर मानसून बारिश थोड़ी अर्ली होती है तो किसान भाई ये जरूर करें कि उस पे एक सेफ कीटनाशक का स्प्रे कर दे, जिससे कि ये जो मक्खी है ये आके मादा मक्खियां इन पे ना दे, और साथ ही हमारी उपज में नुकसान ना हो, और साथ ही जो गुणवत्ता है फल की वो भी बरकरार रह सके, इसके लिए बेहद ज़रूरी इस बात का हमें ख्याल रखना होगा। लेकिन डॉक्टर संजय, अगर हम खासतौर से उत्तर भारत की बात करते हैं, उत्तर पश्चिम भारत की बात करें, और कौन से ऐसे फल हैं जिनकी खेती के लिए किसान अगर चाहें तो अभी का जो मौसम है इसको बिल्कुल उचित हम मान सकते हैं और सफलतापूर्वक वो उनकी बागवानी कर सकते हैं? बिल्कुल, इस समय जैसे आम तो प्रमुख फल है जी, अमरूद है, नींबू वर्गीय फल है, और भी हमारे जैसे आंवला है, बेल है इत्यादि है। जैसा कि मैं जानता हूं कि सारे किसान जो जागरूक हैं उन लोगों ने अपने खड की तैयारी कर ली होगी जी, बेहतर ये होता है कि कम से कम 2.5 से 3 फुट से चौड़ाई और उस गड्ढा उतना ही होना चाहिए जिससे कि उसमें मिट्टी को सुधार कर सके, उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर जैसे FYM है या नीम की खली जी के, इन क्षेत्रों में प्राय देखा है कि दीमक एक बड़ी समस्या है जी, तो थोड़ी सी कम से कम 250 ग्राम नीम की खली भी डाले और थोड़ी सी करीब 200 ग्राम के आसपास DAP डाल के उसको भर के तैयार रखे, और वहीं पे ये जो नए पौधे हैं अब जुलाई के अंत तक लगाने लायक हो जाते हैं, तो कोशिश ये करें कि खड की तैयारी जब करते हैं साथ साथ आपको जागरूक होकर जो सरकारी नर्सरियां हैं जी उनसे तालुकात आप स्थापित करने होंगे, अपने पौधों की बुकिंग करनी होगी। और किसान भाई एक मैं ये हमेशा किसानों को ये बताता हूं कि कभी एक किस्म पे निर्भर ना हो, किसी भी बाग में अगर एक किस्म लगाते हैं तो कई बार देखा गया है कि ओलावृष्टि हो गई या बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई तो फूल झड़ जाते हैं या फल गिर जाते हैं, तो इस तरह से हमेशा देखनी चाहिए कुछ आगे पकने वाली अगेती हो, बहुत ज्यादा पिछेती हो या मध्य वर्गीय हो, जिससे कि किसानों को लॉस बहुत कम हो, यानी 2 से अधिक किस्मों का समावेश हमें करना होगा बाग में। बिल्कुल बिल्कुल, और दूसरी एक चीज बात, अच्छे तक जाके पौधे लगाते हैं तो वहां परागण के लिए अगर 2 किस्में हैं तो उनमें परागण भी अच्छा होगा, फल भी लगेगा। प्रायः देखा गया कि किसान जब आंवला लगाते हैं या चीकू लगाते हैं तो एक ही किस्म को ला के उसके 150 पौधे लगा देते हैं, तो देखा कि फिर उसमें एक भी फल नहीं होता, फूल पुष्पन तो बहुत बढ़िया होगा बिल्कुल, फल बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि उसमें पॉलिनेशन हो ही नहीं पाता है। तो किसान भाई ये भी देखें कि जो उचित मात्रा है, जैसे सेब लगाते हैं जब हम लोग जनवरी इत्यादि में, तो वहां देखा गया 10 से 15%
हम दूसरी किस्म लगाते हैं जो फर्टिलाइजर का काम करते हैं जी, ठीक है। तो ये सारी जो है आप कर सकते हैं जी। साथ ही डॉक्टर संजय, जो हमारे छोटे या सीमांत किसान हैं जो बाग तो नहीं लगाते लेकिन अपनी खेत के चारों तरफ मेड़ पे वो ज़रूर उनकी कोशिश रहती है कि कोई भी जो हमारे फल वृक्ष हैं उनको लगा लिया जाए, लेकिन एक धारणा उनकी ये हो चली है कि कहीं ना कहीं जो हमारी प्रमुख फसल है वो उससे प्रभावित ना हो जाए, क्या ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल, अगर जो सीमांत किसान हैं जहाँ भी क्षेत्र जाए वो शुष्क भूमि हो, जहाँ पे पानी अच्छी मिल रही वो भी ऐसी हो, तो सभी क्षेत्रों के लिए जैसे अब बॉर्डर पे जो है मेड़ पे जो है कोई ना कोई फल वो अवश्य लगा सकता है। प्राय जो जैसे कि मैंने देखा है कि उत्तर भारत में जो एक नया ट्रेंड चला है वो करौंदे की लगाते हैं, जिससे कि फेंसिंग हो जाए, करौंदे को कम से कम 3-3 फुट पे लगा देते हैं जिससे कि उसमें फल भी मिले और वो जैसे नीलगाय इत्यादि जो अन्य जानवर है उससे भी बचाव हो जाता है। साथ ही जैसे जो एसिड लाइन है नींबू, ये बहुत ही बढ़िया विकल्प आया है किसानों के लिए जो व्यावसायिक तौर पर किसानी करते हैं, जो बहुत बढ़िया उनको फार्म गेट प्राइस देता है, करीब 25 से 30 रुपए किलो फार्म पे निकल जाता है ये। तो एक ये नींबू लगा सकते हैं ये, फिर कहीं किसान अगर चाहें तो अमरूद का भी एक अरो लगा सकते हैं, कई लोग फालसा लगाते हैं। तो ये मेड़ के साथ साथ अगर उनके पास बहुत ही ड्राई भूमि है तो वहां बेल पत्र है वो लगा लें, या जो मैंने फल बताया ये बॉर्डर पे लगा के उन जगहों को आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उस पे ये जो हमारे जो फल लगेंगे ये आपको एक एडिशनल इनकम का सोर्स बन जाता है जी। तो बिल्कुल, अगर वो सीमांत भी है तो इस तरह से अगर करते हैं तो बहुत ही बढ़िया। साथ ही जब अगर सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो सब्जियों की खेती में भी एक अच्छी बात यह है कि वहां आप पपीते की खेती बहुत भली भांति कर सकते हैं अगर उसको इंटररो स्पेसिस को यूज करें। पपीते का अगर रो है अगर उसके अपने 2.5-2.5 मीटर पे लगाया हुआ है या 3 मीटर की दूरी पे लगाया है रो टू रो, पौधे से 100 मीटर पे रखा भी है तो बीच में सब्जियां लगती हैं साथ साथ पपीते की खेती रहती है। ये दोनों जो मिलवा खेती जिसको कहते हैं वो किसान कर सकते हैं। सिर्फ एक बात देखनी होती है कि जो हमारा मेन फसल है वो बाधित ना हो। अगर इंटर रो हम कोई भी क्रॉप लगा रहे चाहे सब्जियां लगाएं या फल लगाएं तो देखना है कि जो मेरा मेल फसल है वो कभी दूसरे वाले फसल से बाधित ना हो, सूक्ष्म तत्व की कमी ना कर दे या उसमें मॉइस्चर की कमी मतलब सिंचाई के लिए ना उनमें कंपटीशन हो जाए, तो ये देखना होता है। तो इतनी दूरी पे लगाएं कि वो अपने को कॉम्प्लीमेंट करें साथ साथ अधिक आय हमें मतलब लाभ भी दे सके। जी बिल्कुल डॉक्टर संजय, और खासतौर से जो हम फलों की खेती की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर लंबी अवधि के लिए ये खेती की जाती है और इसका ख्याल जो है हमारे जो किसान हैं वो रखते भी हैं, लेकिन और कैसे आने वाले समय में इसके जो मुनाफा है फलों की खेती में इसको हम बढ़ा सकेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि उत्पादकता आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। अब गए वो दिन जब हम 10 से 12 मीटर पे आम लगाते थे, दशहरी लंगड़ा चौसा जो देसी किस्में हमारी ये बहुत ही दूरी पे लगाते थे, बाग बिल्कुल खुला रहता था और इन पौधों को हम जितना बढ़ते थे उतना उनकी बढ़वार होने देते थे। और इसमें देखा गया है कि आप मलियाबाद लखनऊ इर्द गिर्द जाके देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये जंगल है, आम का जंगल है बेसिकली, वो बाग नहीं कहेंगे जंगल। तो होता क्या है कि आम में जैसे ऊपर की ओर फल लगता है तो फल के जो 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 नंबर है वो बहुत कम हो जाता है और बहुत दूर लगता है। तो मेरा ये कहना है कि जब हम नए बाग जो आधुनिक बाग लगाएं तो इसे या मध्य हाई डेंसिटी कह ले या सेमी हाई डेंसिटी कह ले या उच्च हाई डेंसिटी, मतलब हाई डेंसिटी मैंने जितने आप क्लोज लगाएंगे जैसे 3.5 मीटर पौधे से पौधे और 4.5 मीटर बीच में से लगा दिए जिससे कोई ट्रैक्टर से आप जुताई कर सके जी। इस तरह का अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। फिर उसकी बहुत बढ़िया ढंग से सगाई करते हैं। सगाई करने का मतलब यह है कि जब आप कैनोपी बनाते हैं कैनोपी ऐसा बने कि वो पौधा झाड़ीनुमा हो, खुला हो, उसे धूप मिले और साथ ही उसमें जो भी आप खाद और उर्वरक डालें तो वो सब पौधों में जाए और पौधे में पुष्पन बढ़िया हो जी। पुष्पन बढ़िया हो फलत बढ़िया होगी और क्वालिटी में भी सुधार होगा। तो हमें ये देखना है कि पौधे ऐसे बने जो किसान जो है खुद मैनेज कर सके और साथ ही साथ उसमें जो उत्पाद हो वो बड़ी गुणवत्ता वाला हो, अच्छे गुणवत्ता वाला होगा तभी वो बाजार में जाएगा तो अच्छा भाव देगा। तो ये दोनों चीज जो है किसान को करना ही पड़ेगा कि उसे सघन बागवानी पे करें। साथ ही ये भी देखा है कि जो नींबू वर्गीय फल लगाते हैं उन्हें ये देखना है कि जहां मूल वृक्ष है
कई फलों में मोलविंद भी निर्धारित किया गया है, जैसे चाहे वो सैलिनिटी के लिए हो, लवण के लिए हो, या जहां सूखापन है, जहां ड्राउट सिचुएशन है। जी बिल्कुल। अंगूर में, नींबू वर्गीय फल में, सेब में, ये यहां तक कि आम में भी है, रूटस्टॉक जो है एक दो हम लोगों ने बनाया हुआ है, उसी पे अगर पौधा लगाए तो वहां आप पौधे को बड़े अच्छे ढंग से लगा सकते हैं, उनकी ग्रोथ भी बढ़िया होगी, साथ ही उत्पादन और उत्पादकता दोनों अच्छी हम कर पाएंगे। तो ये हमें देखना जरूरी होता है। और साथ ही मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे आपने जो नए बाग लगाए, इसमें दो बातें आपने ये देखना है कि जो हमारी हाईटेक प्रणाली है, जैसा मैं चाहूंगा कि जैसे सरकार भी उसे ज्यादा बढ़ावा दे रही है कि हाई डेंसिटी के साथ साथ अगर हम उसे ड्रिप इरिगेशन पे ले जाएं, टपक सिंचाई पे, जी, तो यहाँ हम जो सिंचाई योग्य जल है इसको भी बचा पाते हैं और साथ ही उसकी उत्पादकता भी बढ़ाते हैं, क्योंकि पहले हम आधुनिकता को हमें लाना होगा। बिल्कुल, जो भी इनपुट डालना है वो ऐसे डालें कि हर एक बूंद से आपको कुछ ना कुछ मिले। एक्स्ट्रा जो हम नालों में खो देते थे जल को, वो किसान अगर इन प्लास्टिक की नलियों द्वारा देता है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं। साथ ही फर्टिगेशन अब ऐसी प्रणाली हो गई कि आप जो उर्वरक है उनको घोल कर पौधों के उनके जड़ में पहुंचाते हैं, जी, तो पौधों की बार भी अच्छी होती है और वहीं पे अगर पहुंचे तो उनका हलास भी कम होता है, उनकी लीचिंग लॉस कम होगी, पौधे बढ़िया से अपने जो रूट जोन से लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर संजय, लागत भी हमारे किसान की कम हो सकती है इसके जरिए। बिल्कुल, इसमें लागत तो मैं तो ये कहूंगा कि सीमांत किसान की थोड़ी महंगी होती है, लेकिन गवर्नमेंट ने इतने स्कीमें ला दी हैं आजकल कि उन स्कीमों के अपने डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से अगर आप बात करें, उन्हें बताएं कि मैं ये फल लगाना चाहता हूं, वो आपको नए बाग से लेकर ड्रिप सिंचाई से लेकर फर्टिगेशन सारी इत्यादि ये सब बताते हैं। अगर आपने स्ट्रॉबेरी करना है तो प्लास्टिक की मल्चिंग करें, तमाम सुविधाएं हमारे पास हैं, उनका लाभ हमें लेना होगा। सारे स्कीमें हैं, सरकार की योजनाएं भी हैं जिनके जरिए देखिए जो किसान है उसको उसकी लागत जो है काफी कम हो सकती है और आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। फिलहाल डॉक्टर संजय आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज विचार विमर्श में हम लगातार यहाँ आपको जानकारी दे रहे थे मानसून में फलों की अगर बात करिए या बागों के अगर आपको नए बाग लगाने हैं उनके लिए किस बात का ख्याल रखना होगा, और जैसा कि डॉक्टर संजय ने कहा कि अब आधुनिकता की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो यहाँ भी हमें इस बात का ख्याल रखना होगा, उन्नत किस्मों का लगातार विकास हो रहा है उनका चयन हमें करना होगा, और उसके साथ साथ जो कृषि की उन्नत पद्धतियाँ हैं उनको लेकर ना सिर्फ उनको अपना कर अपनी लागत हम कम कर पाएंगे, इसके साथ साथ बेहतर गुणवत्तायुक्त जो फल है वो मिलेगा जिसके ज़रिए हमें अच्छा मुनाफा हो सकेगा। फिलहाल विचार विमर्श में हम यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार, देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की, कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल, देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब, देखिए हेलो किसान लाइव
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज हम लगातार बात कर रहे हैं मानसून में फलों की खेती की, इसके साथ साथ जो किसान नए बाग लगाना चाहते हैं क्या क्या कुछ समस्याएं इस दौरान रहेंगी, इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। बरसात के मौसम में पहले से लगे फल बागों की उचित देखभाल भी जरूरी है, क्योंकि बरसात में कई तरह के रोगों और कीटों के हमले की आशंका बढ़ जाती है। अगर आम की बात करें तो इस महीने के दौरान आम की मध्यम अवधि वाली किस्में पकने लगती हैं। ऐसे में इनके फलों को तोड़कर बाजार में भेजने की व्यवस्था करें। फलों की तुड़ाई के बाद जुलाई के दूसरे पखवाड़े में प्रति वृक्ष 500 ग्राम की दर से नाइट्रोजन दे सकते हैं। वहीं पपीते के पुराने बाग को खरपतवार मुक्त रखें और बाग में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। पपीते की फसल को सड़न रोग से बचाने के लिए कवकनाशी, विल्टॉक्स के घोल का छिड़काव पौधों के तनों और पौधों के तनों के चारों ओर मिट्टी जरूर चढ़ाएं। किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। लीची के बाग में इस समय पेड़ के नीचे की जमीन को हमेशा साफ रखें और जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। पौधों में खाद और उर्वरक का ध्यान रखें। लीची के पुराने बागों में तना छेदक कीट की समस्या रहती है। ये कीट रात के दौरान सक्रिय हो जाता है और दिन में तनों में छुपा रहता है। इस कीट की रोकथाम के लिए बाग को साफ रखें। तने में बने हुए छेदों को क्लोरोफॉर्म, पेट्रोल या मिट्टी के तेल से रुई डुबोकर भरने के बाद छेदों को गीली मिट्टी से बंद कर दें। अनार में फलों का फटना एक गंभीर समस्या है जो शुष्क क्षेत्रों में अधिक होती है। इसके प्रबंधन के लिए नियमित रूप से सिंचाई करें। अंगूर की बात करें तो इस समय अंगूर में फलों के फटने और सड़ने की समस्या आती है। इससे बचाव के लिए कवकनाशी बिल्टॉक्स के घोल का छिड़काव करें। साथ ही फलों को चिड़ियों और बर्रों से भी बचाएं। चिड़ियों से बचाव के लिए गुच्छों में हरी थैलियां लगा दें। साथ ही बाग में लगे बर के छत्तों को नष्ट करने के उपाय करें। नाशपाती में कज्जली धब्बों की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह से डाइथेन Z78 का छिड़काव करें। आड़ू, खुबानी और आलू बुखारा में भूरा सड़न रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेकर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में किस तरीके से जो कीटों का खतरा है वो हमारे फलों में हो सकता है, या इसके साथ साथ और कई ऐसी समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं हमारी उपज को तो प्रभावित करती हैं, साथ ही गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। बात खासतौर से कीटों की अगर की जाए, इसके निदान के लिए, इनकी रोकथाम के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, इस बारे में और जानकारी के लिए आइए रुख कर लेते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में। कीट विज्ञान संभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सचिन एल सरोशे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सचिन, बहुत बहुत स्वागत आपका विचार विमर्श में। नमस्कार डॉक्टर सचिन, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, अगर हम बात करते हैं कीट की, खास तौर से प्रमुख कीटों की अगर बात की जाए, कितना नुकसान हमारे बागवानी के किसान जो हैं उनको उठाना पड़ता है? जैसे माना जाए तो कीट, जैसे खरपतवार है, कीट है या फिर अन्य जो कीटनाशी है, उससे प्रायतः देखा गया कि 30-40% तक का नुकसान संभव है जी, अगर आप ठीक से देखभाल ना करें। साथ ही डॉक्टर सचिन, यहाँ जानना चाहेंगे आपसे, ऐसे मौसम में अगर हम बात करते हैं मानसून के समय में, कौन से प्रमुख कीट हैं जिनकी समस्या जो किसान हैं उनके सामने रहती है, जो कि हमारे फलों को काफ़ी प्रभावित करते हैं? प्रायतः देखा गया है जैसे ही मानसून आता है तो वातावरण में पर्याप्त सी नमी रहती है और यही कारण होता है, और तापमान भी काफ़ी 30-35 डिग्री से नीचे आ जाता है। तो ये मानसून का जो मौसम है, जो कालावधि है, वो सबसे अच्छा कीटों के लिए बढ़ने के लिए सबसे अच्छा माना गया है। तो इस मौसम में जैसे चूसक कीट, एफिड है, थ्रिप्स है, वाइट फ्लाइज है, और पत्तियां खाने वाली इतनी सुंडियां है, और फल छेदक कीट है, और पाए गए और सरफेस ग्रॉस ऑपर्स है। तो ऐसे कई तरह के जो कीट है वो बरसात में बढ़ जाते हैं जी, क्योंकि ये उनको बढ़ने के लिए इनको जो अनुकूल समय हम मान सकते हैं।
जाहिर तौर पर जो मानसून का मौसम है डॉक्टर सचिन, उसमें ना सिर्फ जो हमारे कीट हैं उनकी बढ़वार भी होती है जैसा आपने कहा, और जो परिस्थितियां हैं उनके लिए काफ़ी अनुकूल रहती हैं। लेकिन अगर हम बात करें उन तमाम किसानों की जो आम की खेती करते हैं, क्योंकि अधिकतर जगह फलन हो चुका है, क्या वहाँ भी उन्हें किसी तरह का प्रबंधन अपनाना होगा? अभी आम के लिए जैसा माना गया है, क्योंकि आम का अभी फल पेड़ों पर लगा हुआ है, और फल मक्की जो बैक्टीरिया डॉर्सिलिस के नाम से पाई जाती है, वो प्रायतः पूरे भारत में फैली है जी। तो ये इसी मौसम में फलों के अंदर जो फल राइप हो चुके हैं उसमें अंडा देती है, और एक बार ये कीट दूर से आती है तो फल का जो गंध होता है उसकी गंध से, और फल में अंडा देने के बाद उसकी जो सुंडी है, मैगट्स है, वो अंदर का फल खाती है जी। और उसमें से जो प्यूपा निकलता है जमीन में गिरता है, तो प्यूपेशन जमीन में होता है। तो हम क्या करें, किसान प्रायतः उसने करना चाहिए कि जो दो बार जुताई करना चाहिए, एक फल तोड़ने के बाद और एक फल जब रहते तब, तो क्या हो जाता है, हो जाएगा ये जो सुंडिया जमीन में गिरी है वो ऊपर आ जाएगी, और उसको उसके जो नैसर्गिक उसके जो शत्रु है जैसे बर्ड्स है या अन्य कीट है उसको खा लेंगे जी। तो किसान को एक और करना चाहिए, और बारिश का जो मौसम है तो उनको मैं ये एडवाइस दूंगा 0.5 या 1% बोर्डो मिक्सचर का स्प्रे लेना चाहिए, ताकि जो अन्य बीमारियां होती है जी, लीफ स्पॉट्स है, सड़न है, तो ये भी हम उसका रोकथाम कर पाए जी। बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर सचिन, जो किसान नए बाग लगाते हैं, क्या शुरुआत में भी, क्योंकि जो हमारी पौध होती है, क्या वहाँ भी किसी तरह की कीटों की समस्या उसमें आ सकती है जब नए बाग लगाए जा रहे हैं? तो नए बाग प्रायः देखा गया कि मई और जून में हम खड्डे खोद के रखते हैं जी, तो रोपण के लिए अभी यही टाइम है जब बारिश शुरू हो गई है। तो रोपण के साथ जब आप जो नर्सरी से आप रोप ला रहे हैं जी, तो वहाँ देखना चाहिए उन्होंने कि पत्तियों पे कुछ दाग है क्या, या पत्तियों पे कुछ मावा दिख रहा है, या लीफ हॉपर दिख रहे हैं, या कुछ कीटों के अंडे दिख रहे हैं। तो ऐसे नर्सरियों से वो रोप सामग्री ना ले जहाँ पे पहले से ही ज्यादा कीट मौजूद है। और कुछ पौधों के जो जड़ होते हैं वो जड़ देखनी चाहिए कि उसमें कुछ गाटियां तो नहीं है, जैसा सूत्रकृमि जो बोलते हैं नेमेटोड, वो जड़ से ही रोपण सामग्री से ही खेत में आता है जी। और जो गड्ढे जो हमने तैयार किए हैं उसमें उसका जो स्टरलाइजेशन करने के लिए हमको जो ये जो पाउडर है ब्लीचिंग पाउडर जिसमें 33% क्लोरीन होता है उसका छिड़काव करें, कम से कम 250 ग्राम अगर हमने उसका छिड़काव प्रति गड्ढे में कर दिया, तो वहाँ जो भी सूत्रकृमि के ये है या अन्य जो फंगस है उसके जो स्पोर्स है वो वहाँ ही मर जाएंगे जी। और रोपन के पहले हम अच्छा सड़ा हुआ खाद डालें 30 से 40 किलो प्रति गड्ढे में, और उसी के साथ साथ जो नीम का जो खाद आता है, नीम जो सीड का खाद आता है जो कीटों को भी मारता है, सूत्र को भी मारता है, वो भी हम अगर ऐसे रोपन करने के टाइम में गड्ढों में डालेंगे तो किसानों को काफी फायदा हो जी। बिल्कुल डॉक्टर सचिन, जैसा आपने कहा कि ज़रूरी क्या, हमेशा जो हम पौध ले रहे हैं वो प्रमाणित जगह से ही लें, और उसके बाद जड़ों का भी ख्याल रखें, कहीं शुरुआत में ही जो कीटों की समस्या है वो ना हो। लेकिन डॉक्टर सचिन, जैसा हम सभी जानते हैं जो हमारे फल हैं इनका हम निर्यात भी करते हैं, और उस दृष्टि से अगर देखा जाए कितना महत्वपूर्ण है कि जो हमारे किसान हैं वो ख्याल रखें। अक्सर हम देखते हैं अगर कीटों की समस्या आती है तो सिर्फ कीटनाशी का सीधे तौर पर छिड़काव कर दिया जाता है, जो कि ना सिर्फ हमारी फलों की सेहत के लिए ख़राब है, जो उसका सेवन करते हैं मनुष्य उनकी सेहत के लिए खराब, और सबसे महत्वपूर्ण जो पर्यावरण है उसकी सेहत के लिए भी काफी चिंताजनक हम मान सकते हैं। हाँ जी, आपने सही कहा। सबसे पहले किसान जो भी कीटनाशी उनको अपने खेत में उनको उसका छिड़काव करना है वो अच्छे दुकानों से ले जी, मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट ले, और उसके साथ एक लीफलेट आता है, उस लीफलेट में पूरा दिया रहता है कि कौन से क्रॉप में स्प्रे करना है, कितनी मात्रा में स्प्रे करना है। प्रायतः देखा है कि किसान जो लेबल क्लेम वाले इंसेक्टिसाइड नहीं है वो भी उसका भी छिड़काव करते हैं जी। तो जब हमारा माल एक्सपोर्ट होता है तो उसमें अगर उसके अंश पाए जाए तो हमारा जो कंसाइनमेंट है वो रिजेक्ट हो जाता है जी। तो लिफलेट ठीक से पढ़ के देखें और जितनी मात्रा में बताया गया उतनी मात्रा में ही उसका छिड़काव करें, उससे ज्यादा अगर करेंगे तो उसकी रेसिड्यू ज्यादा आएगी और बाद में अपना जो एक्सपोर्ट माल होता है वो रिजेक्ट हो जाएगा। कितने बार ऐसा हो चुका है पहले। डॉक्टर सचिन, खासतौर से जैसा आपने जिक्र किया कि पिछले दिनों भी इस तरह के जो खबरें हैं वो सामने आई थी, लेकिन जब किसानों को जागरूक करने की बात की जाती है या कीटनाशी का किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये कितना महत्वपूर्ण कि किसान को सारी जानकारी हो, ना सिर्फ अगर वो अलग अलग फलों के बाग तैयार कर रहे हैं तो वो ये भी समझें कि अगर जो कीटनाशी है पहले कीट के लक्षण देखें, कीट को पहचानें, और उसके बाद ही किसी तरह का जो प्रबंधन है वो करें, ये बेहतर रहेगा।
हाँ जी हाँ जी, सबसे पहले अभी किसान क्या होता है, जहाँ पर कीट उनको पाया गया या उनके बाग में अगर कीट उन्होंने देखा गया, तो नजदीक के जो कृषि विश्वविद्यालय है या फिर केविक है उनके संपर्क में आके वो उसकी पहचान कर सकते हैं। अगर वो कीट मेजर है तो उसके लिए उन्होंने छिड़काव करना चाहिए, और उसकी आर्थिक स्तर की मात्रा होती है हर कीट की। अगर 4-5 है या 10-12 कीट है तो जरूरी नहीं कि हर बार किसान को छिड़काव करना पड़े। तो सबसे पहले उसकी जो स्तर है उसके अगर ऊपर अगर कीट होंगे तभी उसको स्प्रे करना चाहिए, और उसका मैंने पहले बताया लेवल क्लीन अगर हो तभी उसका छिड़काव करना चाहिए। और छिड़काव करने के टाइम जैसे सुबह, जैसे पॉलिनेटर जो होती है हमारी हनी बीज बहुत बढ़िया पॉलिनेटर्स है, तो सुबह सूर्योदय के पहले अगर सुबह 5-7 के बीच में अगर स्प्रेइंग किया जाए, छिड़काव किया जाए, और शाम में अगर 5 के बाद, तो ज्यादातर जो मधुमक्खियां हमारे बागों में पाई जाती है जो बहुत से परागकण का काम करती है, ये भी बच जाएगी और किसानों को आय में भी वृद्धि होगी। बिल्कुल डॉक्टर सचिन, लेकिन खासतौर से अगर हम देखें, जैसा आपने कहा कि सोच समझ कर ही जो कीटनाशी हमारे उनका छिड़काव किसानों को करना चाहिए, और जो ये रसायन का छिड़काव किया जाता है एक आखिरी विकल्प के तौर पर हम मान सकते हैं, उससे पहले क्या कुछ विकल्प किसान के पास मौजूद हैं? बहुत से विकल्प है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि रोपण के टाइम में जो निगरानी आपने लेनी चाहिए, मैंने पहले ही बताया रोपण के टाइम में, और रोपण के बाद भी कल्चरल एक्टिविटीज होती है कि आप किसान अपने फल बागों में कवर क्रॉप्स, इंटर क्रॉप ले सकते हैं, ताकि उससे क्या होता है कि मैक्सिमम जो कीट जो मुख्य फल पे आते हैं, मुख्य फल क्रॉप पे आते हैं, उसका जो लक्षण होता है वो कम हो जाता है जी। और उसके बाद इंटर कल्टिवेशन ऑपरेशन है, जुताई बार बार करते रहे, और मैंने पहले ही बताया बोर्डो मिक्सचर का बहुत बढ़िया स्प्रे, अगर वो किसान हर 3-4 महीने में अपने बागों में 0.5 या 1% बोर्डो मिक्सचर का स्प्रे लेता है जी, तो काफी जो रोग बाद में आते हैं वो कम हो जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर, यहाँ पर अगर बात की जाए डॉक्टर सचिन, तो क्या जैविक विधि से भी हम ये मान सकते हैं संभव है, या कुछ विकल्प हमारा जैविक खेती के तौर पर भी हम देख सकते हैं अगर हमें रसायन का प्रयोग नहीं करना है तो? हाँ, रसायन का प्रयोग हमें नहीं करना है जैविक के लिए, तो जैविक जैसे बायोपेस्टिसाइड्स और बोटेनिकल्स है, जैसे नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, नीम ऑयल जी, नीम ऑयल के 3-4 वर्जन आते हैं, जैसे 300 ppm वाला एक वर्जन आता है, 1500 ppm, 10,000 ppm तक आता है, तो बोटेनिकल वर्जन जैसे करंजीन भी बोटेनिकल ओरिजिन है, और बायोपेस्टिसाइड में बहुत से प्रोडक्ट्स है, जैसे सकिंग इंसेक्ट को मारने के लिए वर्टिसिलियम लेकैनी हम यूज करते हैं, और जो पत्तियां खाने वाली कीट है उसके लिए ब्यूवेरिया बेसियाना, ये फंगस है जो कीटों को मारती है, और मेटराइजम एनिसोप्ली, तो बहुत से और हॉर्टिकल्चर ग्रेड स्पाइड्स भी आते हैं, काफी चूसक कीट जैसे मिली बग्स है, स्केल्स है, एफिड जो बागों में आते हैं उनको मारने के लिए, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अच्छे खासे प्रोडक्ट है पेट्रोलियम ऑयल, तो उससे उसका छिड़काव करने से वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं जी, ज्यादा उसकी कीमत भी ज्यादा नहीं है, और वो केमिकल पेस्टिसाइड भी नहीं है, तो पर्यावरण को भी कम क्षति होगी और हम कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं जी। बिल्कुल, उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर समेकित नाशी जीव कीट प्रबंधन की, वो कितना कारगर सिद्ध हो सकता है ऐसी स्थिति में? डॉक्टर सचिन, जानना चाहेंगे आपसे अगर हम खासतौर से समेकित कीट प्रबंधन की बात करते हैं, वो कितना कारगर हम मान सकते हैं? बहुत कारगर होता है, एकीकृत कीट व्यवस्थापन, मैंने बताया कि जैसे हम जाना जाए 1980s में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलिसी ली थी एकीकृत कीट व्यवस्थापन जी, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो इसका जो कार्यान्वयन है वो सिर्फ 5-6% से भी कम है। तो एकीकृत कीट व्यवस्थापन के लिए क्या करना चाहिए कि सब कम्युनिटी अप्रोच बहुत जरूरी है, अगर मैं अकेला किसान अगर कीट प्रबंधन करना चाहता हूँ तो पॉसिबल नहीं है। अगर फल मक्खी का ही आपने देखा जो बागों में आजकल उसमें अमरूद में या आम में फल मक्खी का जो प्रकोप है काफी बढ़ गया है जी, और इसको मारने के लिए एक ही तरीका है जो उसके ट्रैप्स मिथिलोजेनल ट्रैप, लेकिन अगर मैं अकेला किसान यूज करूंगा तो आज मेरे जो खेत में आई हो मक्खी वो मारी जाएगी, लेकिन जो अगर मेरे जो बगल में जो किसानी कर रहा है या मेरा जो पड़ोसी है अगर वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो उसका जो कार्यान्वयन है वो फेल हो जाएगा। तो एकीकृत कीट व्यवस्थापन के लिए कम्युनिटी अप्रोच, अगर एक गांव अगर पूरा कर रहा है तो उनको जरूर इसका बहुत फायदा होगा जी। मैंने पहले बताया कि ये स्टेट पॉलिसी हमने इंडियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की है, लेकिन इस कार्यान्वयन 6-5% से भी कम है पूरे हिंदुस्तान में।
जी बिल्कुल, इसके साथ ही डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि मानसून की खास तौर से हम बात कर रहे हैं, ऐसे में किस तरह का प्रबंधन आवश्यकता रहती है, लेकिन जब कीटों की हम यहाँ अगर बात कर रहे हैं, और क्या कुछ ऐसी सावधानी हैं जो एक किसान को बरतनी होगी, फिर चाहे वो नए बाग लगा रहे हैं या उनके पहले से बाग हैं? हाँ, पहले से जिसके नए बाग है जो लगाना चाहता है, तो स्पेसिंग प्लांट टू प्लांट और रो टू रो स्पेसिंग जो कृषि विश्वविद्यालय या केवीके ने जो निर्धारित किया है वैसी लगाया जाए। जी, नॉर्मली क्या देखा जाता है कि किसान प्रति हेक्टर में 50-100 पौधे ज्यादा आमदनी पाने के लिए ज्यादा पौधे लगाते हैं। जी, तो जब 6-7 साल के बाद पौधे बड़े हो जाते हैं तो उनकी टहनियां एक दूसरे से जुड़ जाती है। जी, तो फिर इससे कीटों का रोगों का प्रसार होता है और जो सूर्य प्रकाश है, सूर्य की रोशनी है, वो भी पर्याप्त अंदर पहुंचती नहीं है और नीचे की जो जमीन की सतह है उसका जो स्टरलाइजेशन है वो सूर्य की किरण से ही होता है। जी, तो पर्याप्त पौधे प्रति हेक्टर लगाए और टाइम टू टाइम प्रूनिंग कटिंग करते रहे, और प्रूनिंग कटिंग करते टाइम में जो पहले स्वस्थ पेड़ है उसका कटिंग प्रूनिंग करे, और जो रोगग्रस्त जो पेड़ है उसका कटिंग प्रूनिंग बाद में करे। जी, और प्रूनिंग के लिए जो टूल्स इस्तेमाल किए गए जैसे सिकेटेर है या अन्य औजार है, तो उसका 2.5% सोडियम हाइपोक्लोराइड से उसका स्टरलाइजेशन करे, ताकि फिर इससे बैक्टीरिया और अन्य वायरस जो पौधों में जाते हैं वो ना फैले। और मैंने पहले ही बताया बीच बीच में आपको बोर्डो मिक्सचर 0.5% जब आपके पौधों पे फल है या नहीं है जी, इससे मायने नहीं रखता, लेकिन किसानों को साल में 2-3 बार इसका स्प्रे लेना चाहिए। और निगरानी के लिए जैसा हम खाद बोलते हैं, खाद अच्छी गली सड़ी खाद ही हमेशा ले, क्योंकि अगर खाद अच्छी गली सड़ी नहीं है तो उसमें टर्माइट का प्रकोप या व्हाइट ग्रोथ। जी बिल्कुल डॉक्टर सचिन, जैसा आपने कहा कि इस बात का तो ख्याल हमें रखना ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो किसान हैं, अक्सर हमने देखा है कि जब वो बागवानी करते हैं या कोई नया बाग उन्होंने लिया हुआ है, पुराने बाग अगर उनके पास है, तो उसके साथ वो दूसरी फसल भी लेते हैं, और अगर प्रमुख फसल में जो फसल बाग में उन्होंने ली है उसमें किसी तरह का कोई कीट आ जाए, तो क्या ये संभव है कि जो हमारी फलों की खेती जो किसान कर रहा है, जो बाग उसने लगाया है, ये कीट हमारी फल फसल को भी ना सिर्फ प्रभावित कर सकते हैं बल्कि वहाँ भी नुकसान पहुँचा सकते हैं? बहुत सवाल पूछा आपने। जैसे अभी आपसे बात करने के पहले मैं एक किसान से बात कर रहा था जी, तो उसके ग्वावा में जैसे अमरूद में फ्रूट बोरर आया है, और जी फ्रूट बोरर जो अनार में आता है वही ग्वावा में भी आता है, तो मैंने उसको पूछा तो यही बताया कि बगल में अनार भी लगा है। तो आपको हमेशा विशेषज्ञों को बार बार पूछना पड़ेगा, जैसे हम अनार लेते हैं तो साथ में ग्वावा की खेती ना करें जी, जो ग्वावा करता है उसको अनार की खेती ना करें। जैसा पश्चिम महाराष्ट्र में देखा गया कि अनार के साथ साथ वो इसकी ग्रेप जैसे अंगूर की भी खेती करते हैं, लेकिन अंगूर का जो मिलीबग है वो अनार पे भी आने लग गया है। बिल्कुल, तो ये जैसे अनार के अंदर कुछ किसान मिर्च का जो खेती करते हैं मिर्च की, क्योंकि मिर्च 6-7-4-5 महीने में निकल जाती है, लेकिन मिर्च पे जो थ्रिप्स आती है वो अनार पे भी आती है। तो ये जो सब खेती करने के पहले किसानों को जो भी आसपास में जो कृषि विश्वविद्यालय है या कृषि विज्ञान केंद्र है वहां जाके ज्ञान लेना पड़े। चलिए बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी कि जब भी हम किसी भी फल का चयन करते हैं तो उसके साथ अगर आप जो दूसरी फसल ले रहे हैं वहाँ भी आपको जानकारी पूरी लेनी होगी, जिससे जो समस्या है वो आपके फलों तक ना पहुँचे। फिलहाल डॉक्टर सचिन एस सुरोशी जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ डॉक्टर सचिन हमारे साथ जुड़े हुए थे, साथ ही कार्यक्रम के पहले भाग में डॉक्टर संजय ने भी पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से जो मानसून का भी समय चल रहा है इसमें हम बेहतर ढंग से बागवानी कर सकते हैं, या तमाम वो किसान जो फलों की खेती करते हैं उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। अगर आप सारी सावधानी अपनाएंगे तो ना सिर्फ अच्छा उत्पादन आपको मिल सकेगा फलों का, बल्कि गुणवत्तायुक्त उत्पादन आपको मिलेगा और उसके जरिए अच्छा मुनाफा मिल सकता है, क्योंकि अब अधिकतर फल हमारे जिनका निर्यात किया जाता है बड़े पैमाने पर जो हमारे किसान हैं अब इस सूची में जुड़ चुके हैं। तो कोशिश आपको यही करनी होगी, तमाम सावधानियों को आप अपनाएं, अच्छा प्रबंधन करें, इसके बाद बेहतर मुनाफा आपको आने वाले समय में मिल सके। तो फिलहाल के लिए आज विचार विमर्श में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय पर भी करेंगे यहां पर विशेषज्ञ के साथ चर्चा, लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।